सभी के लिए शुभ दिन प्रिय ग्राहकों और चैनल के दर्शकों, विटाली सोकोलो आपके साथ हैं। आज हम नेट प्लेटफॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म पास्कल प्रोग्रामिंग वातावरण के बारे में बात करेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, एक अंगूठा दें और एक टिप्पणी लिखें, यह वीडियो के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण है। एडवांस में आप सभी को धन्यवाद। Pascalapp.net एक प्रोग्रामिंग भाषा और वातावरण है। 2003 में पुराने टर्बो पास्कल वातावरण को बदलने के लिए दक्षिणी संघीय विश्वविद्यालय के गणित, यांत्रिकी और कंप्यूटर विज्ञान के संकाय में पास्कल ABC प्रोग्रामिंग वातावरण बनाया गया था। विश्वविद्यालय रोस्तोवांडोन और तगानरोग शहरों में स्थित है। पर्यावरण के डेवलपर्स प्रोजेक्ट मैनेजर स्टानिस्लाविच मिखालकोविच साथ ही विश्वविद्यालय के छात्र हैं। Pascalapp के अधिकार Pascalapp कंपाइलर टीम के स्वामित्व में हैं। पास्कल ABC विभिन्न प्लेटफार्मों और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग, अनुसंधान और एप्लीकेशन बनाने के शिक्षण पर केंद्रित है। Pascalapp.net कंसोल कंपाइलर मोनो के तहत लिनक्स और मैकोस पर चलता है। भाषा C# और डेल्फी ऑब्जेक्ट पास्कल पर आधारित है। यह पाइथन भाषा से लेखन कार्यक्रमों और कई निर्माणों की कॉम्पैक्टनेस भी उधार लेती है, जबकि संकलन प्रकार की भाषा प्रारंभिक त्रुटि नियंत्रण और उच्च प्रोग्राम निष्पादन गति के सभी फायदे बरकरार रखते हैं। पास्कल ABC पर्यावरण LGPL के तहत मुफ्त और लाइसेंस प्राप्त है। भाषा बहुप्रतिमान है, उस पर आप विभिन्न शैलियों में प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रक्रियात्मक, वस्तुन्मुख, कार्यात्मक और इन शैलियों को भी जोड़ सकते हैं, जो आपको विभिन्न शैलियों में प्रोग्रामिंग सीखने की अनुमति देता है। Pascalapp.net Microsoft.net प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है, जो बड़ी संख्या में मानक पुस्तकालयों के साथ Pascalapp.net भाषा प्रदान करता है और आपको इसे अन्य .NET भाषाओं के साथ आसानी से संयोजित करने की अनुमति देता है, C, Visual Basic .NET, प्रबंधित C, Oxygen आदि। .NET प्लेटफॉर्म एकल अपवाद हैंडलिंग तंत्र, कचरा संग्रहण के रूप में एकल मेमोरी प्रबंधन तंत्र, साथ ही कक्षाओं, विरासत, बहुरूपता और विभिन्न में लिखे गए मॉड्यूल के बीच इंटरफेस का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की क्षमता जैसी भाषा सुविधाएं भी प्रदान करता है। .NET भाषाएं Pascalapp.net भाषा डेल्फी ऑब्जेक्ट पास्कल कार्यान्वयन के करीब है। इसमें कई विशिष्ट डेल्फी भाषा संरचनाओं का अभाव है, कुछ संरचनाओं को बदल दिया गया है। इसके अलावा कई विशेषताएं जोड़ी गई हैं। विवरण में प्रकार का स्वत पता लगाना है, आप ब्लॉक के अंदर चर का वर्णन कर सकते हैं। संचालन है +="*:= विधियों का वर्णन किया जा सकता है। सीधे एक वर्ग या रिकॉर्ड के शरीर में आप मानक प्रकारों और गुणों में निर्मित विधियों का उपयोग कर सकते हैं। वस्तुओं के लिए स्मृति कचरा कलेक्टर द्वारा प्रबंधित की जाती है और स्पष्ट रिलीज की आवश्यकता नहीं होती है। सेट मनमाने प्रकार के आधार पर बनाए जा सकते हैं। फॉरिच स्टेटमेंट पेश किया जाता है। फॉर और फॉरिच लूप वेरिएबल्स को सीधे लूप हेडर में वर्णित किया जा सकता है। सामान्यीकृत क्लासेस और सबरूटीन्स जेनेरिक सीक्वेंस टुपल्स स्लाइस लैम्बडा एक्सप्रेशन आदि हैं। Pascalapp.net की विचारधारा में करीब रिमॉबजिप्स ऑक्सीजन भाषा 21वीं सदी का ऑब्जेक्ट पास्कल है। हालांकि इसे .NET की ओर भारी रूप से संशोधित किया गया है, कोई वैश्विक घोषणा नहीं है। सभी घोषणाएं एक स्थिर मुख्य विधि वाले वर्ग में रखी जाती हैं और कई मानक पास्कल सबरूटीन गायब हैं। इसके अलावा रिमॉबजिप्स ऑक्सीजन प्रणाली का भुगतान किया जाता है और इसमें अपना स्वयं का शेल नहीं होता है। यह विजुअल स्टूडियो और अन्य आइड में बनाया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग करना व्यावहारिक रूप से असंभव बनाता है। Pascalapp.net फ्रेमवर्क सिंटैक्स हाइलाइटिंग कोड हिंटिंग डॉट हिंटिंग सबरूटीन पैरामीटर हिंटिंग कोड टूलटिप ऑन डिमांड प्रोग्राम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नाम परिभाषा और कार्यान्वयन के लिए संक्रमण रिफैक्टरिंग तत्व प्रदान करता है। इस प्रोग्रामिंग वातावरण को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में सर्च बार में Pascalapp वाक्यांश लिखना होगा। इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट Pascalapp.net पर जाएं। ऊपर दाईं ओर आप साइट की भाषा चुन सकते हैं, रूसी या अंग्रेजी।
डाउनलोड पेज पर जाएं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंस्टॉलर फाइल को चुनें। इसे डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। आपका ब्राउजर या तो फाइल को डिफॉल्ट फोल्डर, आमतौर पर डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड करेगा या आपसे फाइल को स्थापित करने के लिए पथ चुनने के लिए कहेगा। उसी साइट से आप एक सहायता फाइल, प्रशिक्षण पुस्तकें और प्रशिक्षण के लिए सॉफ्टवेयर समस्याओं वाला दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड की गई फाइल को चलाने की आवश्यकता है। स्थापना भाषा का चयन करें। अगला, आपको स्थापना के प्रकार का चयन करने की आवश्यकता है या स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुओं को मैनुअल रूप से चिन्हित करें। फिर हम अगला बटन दबाते हैं। अगली विंडो में आपको यह चुनने की आवश्यकता है कि पास्कल एबीसी वातावरण कहां स्थापित किया जाएगा। यह भी दिखाएगा कि सभी चयनित स्थापना तत्वों के साथ पर्यावरण कितना स्थान लेगा। आमतौर पर यह लगभग 160 मेगाबाइट होता है। एक पथ चुनें और अगला क्लिक करें। अगली विंडो में कार्यशील फोल्डर का पथ चुनें। पास्कल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिफॉल्ट रूप से इस फोल्डर में सहेजे जाएंगे। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। परिवेश को स्थापित करने के बाद इसे लॉन्च करने के लिए डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट दिखाई देगा। इसे चलाने से प्रोग्रामिंग वातावरण शुरू हो जाएगा। पास्कल एबीसी के पूर्ण कार्य के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। यदि यह पहले से स्थापित नहीं है, प्रोग्रामिंग वातावरण और उसमें बनाए गए प्रोजेक्ट इस पर निर्भर करेंगे। लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर सर्च बार में नेट फ्रेमवर्क लिखना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इसे डाउनलोड करें। इंस्टॉलर डाउनलोड करने के बाद आपको इसे चलाने की जरूरत है और लाइब्रेरी को स्थापित करने के लिए अगला क्लिक करें। पास्कल परिवेश को कंप्यूटर से निकालने के लिए उस फोल्डर पर जाएं जहां परिवेश स्थापित किया गया था। डिफॉल्ट रूप से यह स्थानीय ड्राइव सी है। फिर प्रोग्राम फाइल्स यूक्स 86 फोल्डर जहां pascalapp.net फोल्डर स्थित है। इस फोल्डर में uninstall.yux फाइल है। इस फाइल को चलाकर आप पर्यावरण को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यदि कुछ फाइलें और फोल्डर हटाए नहीं जाते हैं तो उन्हें मैनुअल रूप से हटाया जा सकता है। यह भी जांचें कि क्या प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को हटा दिया गया है। केवल महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को किसी अन्य स्थान पर अग्रिम रूप से स्थानांतरित करें। आप पर्यावरण को हटाने के लिए सिस्टम डिलीट एनवायरनमेंट भी चला सकते हैं। ऐसा करने के लिए पुराने सिस्टम में आप स्टार्ट कंट्रोल पैनल पर जा सकते हैं, शो स्मॉल आइकॉन का चयन कर सकते हैं और प्रोग्राम और फीचर आइटम पर क्लिक कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन में सर्च बार में ऐड या रिमूव प्रोग्राम लिखना और दिखाई देने वाले आइटम पर क्लिक करना काफी है। अगला, सूची में आपको रुचि के कार्यक्रम को खोजने की जरूरत है। इसे चुनें और बटन पर क्लिक करें हटाएं। अनइंस्टॉल टूल क्लीनर और इसी तरह के प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए विशेष प्रोग्राम भी हैं। मेरे लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार था। यदि हाँ तो अंगूठा देना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक टिप्पणी लिखें, यह वीडियो के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण है। विताली सोकोलोव आपके साथ थे। आपकी प्रोग्रामिंग के लिए शुभकामनाएं और अगले वीडियो में मिलते हैं।